कहते हैं रेलवे के एक वेटिंग रूम में कोई अंदर बैठा हुआ था ठंड से बचने के लिए। ठंड तो नहीं लग रही थी फिर भी कराह रहा था। बगल में बैठे हुए मुसाफिर ने पूछा कि यार तुम अब भी क्यों कराह रहे हो? उसने कहा नीचे कील निकली हुई है जो मुझे चुभ रही है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं उठो और बाहर चले जाओ। बोले नहीं इतनी भी नहीं चुभ रही है। कहा यह जाता है कि किसी को बागी कब बनना है इसके लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। क्या उसको एक सेफ डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है? क्या वाकई उसके साथ इतनी ज्यादती हो गई है वहां जहां वो रह रहा है कि उसकी कुंठा आप पराकाष्ठा में पहुंच गई है? देखिए बागी कौन कौन है और वो बागी किस तरीके से किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासतौर से ममता बनर्जी क्योंकि सत्तारूढ़ हैं, सबसे ज्यादा स्टेक्स उनके हाई हैं, इसलिए उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है जरा देखिए। ये बागियों की लिस्ट दिखाइए, बागी कौन कौन है, बागियों की लिस्ट देखिए। ये हैं सुनील मंडल, वर्धमान से सांसद हैं, ये बागी हुए और अब ये वहां से रुखसत हुए। ये देखिए ये लंबी लिस्ट है। ये बनोश्री मैती जो आपको दिखाई दे रही है, ये कांठी उत्तर से विधायक है। तापसी मंडल ये, और किसी एक पार्टी नहीं तमाम पार्टियों से देख लीजिए, तापसी मंडल ये माकपा से रही हुई है, ये हल्दिया से छोड़ गई। अशोक डिंडा भी लेफ्ट के नेता रहे हैं और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सुदीप मुखोपाध्याय विधायक रहे हैं, छोड़ गए। इधर देखिए विश्वजीत कुंडू जालना से, ये विधायक ये भी छोड़ गए। सैकत पंजा वर्धमान पूर्व विधायक, छोड़ गए। ये देखिए ये एक लंबी लिस्ट है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हुआ और किसी एक ने पार्टी छोड़ी, ये एक पृष्ठभूमि बनी है और लंबी फहरिस्त है छोड़ने वालों की। देखिए शीलभद्र दत्ता बैरकपुर से दो बार, छोड़ गए। दीपाली विश्वास, छोड़ गई। सुकरा मुंडा, छोड़ गए। ये क्या इसको डाउन प्ले करना किसी भी सूरत में लॉजिकल कहा जा सकता है? क्या ये कहना कि देखिए जिसको जाना है वो चला जाता है और जो जिसकी लॉयलिटी नहीं है, जिसकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट नहीं है, वो छोड़कर चला गया? क्या वाकई इस तरीके से कह देने भर से काम चल जाएगा? या वाकई जो कहा जा रहा है कि किला दरकना शुरू हो गया, उसी के संकेत हैं ये? शुभेंदु अधिकारी आप देखिए, मंत्री से लेकर विधायक से लेकर पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव, राज्य मंत्री, देखिए समझिए इसको, इसका मैग्नीट्यूड समझिए। मंत्री, राज्य मंत्री, 15 काउंसलर छोड़ के चले गए, 45 चेयरमैन छोड़कर चले गए, 2 जिला पंचायत अध्यक्ष छोड़कर चले गए। क्या वाकई ये 42 कुर्सियां लगी हुई थी? अमित शाह जहां पहुंचकर मंच से संबोधित करके लोगों को ज्वाइन करा रहे थे भारतीय जनता पार्टी, उसमें 42 कुर्सियां लगी हुई थी उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, ज्यादातर टीएमसी से थे लेकिन कांग्रेस के भी लोग थे और लोग भाकपा और माकपा के भी थे। ये क्या इशारा है? क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि इसमें आने वाले दिनों के लिए संकेत छिपे हुए हैं? यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।